जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। दिखाओ मोगली। आसानी से पकड़ लूंगा डाजी। यहाँ के बंदर कहाँ गए? दिन भर तो वो यहाँ उधम मचाते रहते हैं। डाजी कहाँ हो तुम? हे, मोगली पे हमला मत करना। हमें बल्लू और बघीरा को बताना होगा कि काला वापस आ गया है। उसने सभी बंदरों को खा लिया क्या? अरे नहीं, उसके पेट से तो ऐसा कुछ नहीं लगा। सभी बंदर भाग गए होंगे। अरे नहीं, ये सब तो यहाँ है। बंदरों को ऐसा करने कैसे दिया? हम सो रहे थे, उन्होंने तभी ये सब किया। अब जल्दी से हमें खोलो वरना। इतनी भी क्या जल्दी है इंसानी बच्चे, पहले रानी माशा से तो पूछ लो। नहीं माशा, ऐसा मत करो। अच्छा, ताकि ये दोनों हमें यहाँ से भगा दें और वहाँ काला हमें कच्चा चबा जाए। हम उनसे निपटेंगे, मैं और बलू दोनों मिलकर उसे भगा सकते हैं। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूं ताकि तुम हमें यहाँ से भगा दो? तुम मुझे जाने दो, मैं भी उसे भगा सकता हूँ। नहीं मोगली, तुम काला से नहीं भिड़ोगे, अकेले तो बिल्कुल नहीं। मुझे कुछ सोचने दो, एक धांसू आइडिया। पर चालाक ही नहीं, वरना तुम्हारे दोस्त को मक्खी से कटवा दूंगी। हाँ ठीक है, कोई चालाक ही नहीं। इससे बात बनेगी। मोगली, हेलो। डाजी, कहीं काला सुन ना ले। वैसे तुम माशा से बचकर कैसे निकल आई? मैंने चोंच मारी, बहुत तेज है ये। इंसान बच्चे, इस बार तू नहीं बच पाएगा। अच्छा, पहले मुझे पकड़ के तो दिखा। लगा नहीं था इतनी जल्दी बात बन जाएगी। हमें भी भूख लगी है। अपना मुंह खोलो, रानी माशा खाने को देगी। हम बच गए मोगली, पर काला फिर से खंडहरों में चला गया। कोई बात नहीं, हम उसे बाहर निकाल लेंगे। ये क्या है? काला के लिए बड़ा सा सरप्राइज। मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। क्या हुआ काला, मुझसे डर गए क्या? तुम बहुत जल्दी में रहते हो काला, थोड़ा इंतजार करो। बलू और बघीरा को तो यहाँ आने दो, वो ही तुमसे निपटेंगे। काला को ऐसे जाल से निपटना आता है। अरे नहीं, इस काला को भगाना उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। पर नामुमकिन भी नहीं है, बस थोड़ी मदद की जरूरत है मोगली।
बात तो सही है डाजी। तो हार के आ गए हाँ? जानती थी उस काला के सामने बच्चे हो तुम। मैं बच्चा तो नहीं हूँ, पर मुझे बलू और बघीरा की मदद चाहिए। वो नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हें खोलूंगी तो ये मुझे ही भगा देंगे। नहीं भगाएंगे, यकीन करो हमारा। हाँ। तो बोलो माशा, तुम मुझे बच्चा कहती हो, तुम्हारा क्या? तुम खुद को रानी कहती हो, पर उस काला ने तो तुम्हें तुम्हारे इलाके से निकाल दिया, अब बताओ। उसने मुझे नहीं निकाला। तुम तो दम दबाकर वहाँ से भाग गई। अगर तुम असली रानी होती तो उससे जंग लड़ती। असली रानी अपनी जनता की रक्षा करती है और अपना इलाका हासिल करती है, तुम्हारी तरह दम दबाकर भाग नहीं जाती। मेरे साथ चलो। अब क्या करें? अब सबसे पहले इन्हें थोड़ी ट्रेनिंग देनी होगी। अब एक रानी होने का फर्ज निभाओ माशा, इन्हें जंग के मैदान में ले चलो। रानी के पीछे आओ, ठंडी गुफा के खंडरों में। घबराओ नहीं, मैं जीत कर ही लौटूंगा। अब और नहीं सहा जाता, यहाँ से निकलने के बारे में सोचो। बहुत हुआ, हमें जाने दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। सपनों में भी नहीं। तुम झूठे हो। तुम्हें मान गए डाजी, वाह क्या दिमाग पाया है। वो रहा काला, वहाँ देखो माशा, हमारे इलाके में कैसे शान से घूम रहा है। इसकी इतनी हिम्मत, ये इलाका रानी माशा का है। हमला करो। दुआ करो मोगली को कुछ ना हुआ हो। माशा, कुछ तो करो। माशा, तुम रानी नहीं, तुम एक डरपोक बंदरिया हो। मैं किसी से नहीं डरती। आज के बाद कभी मत देखना काला,
चलो हमें हमारा इलाका मिल गया, अब तुम सब भी जा सकते हो। जैसे तुमने हम पर एहसान किया हो। तुम्हें शुक्रिया बोलूं? रानी माशा और उसकी प्रजा तुम्हारे लिए गाना और नाच दिखाएगी। नहीं नहीं रहने दो, इसकी जरूरत नहीं। अब तो देखना पड़ेगा। भागो।